ओरिजिनल लग रहा है सर, इतना मेहनत है अंदर जाकर, मैं देखी एकदम बहुत मेहनत कर रहे हैं ये बर्तन। हाँ, शब्द नहीं बचा है, राम मंदिर बन रहा है, अब समझ सकते हैं रांची में राम मंदिर बन रहा है। हूबहू एकदम लग रहा है कि वही मंदिर है, हूबहू है। ये अयोध्या में नहीं लेकिन हम लोग झारखंड में देख रहे हैं। अयोध्या नहीं, राम मंदिर का दर्शन आप झारखंड में, झारखंड में कर रहे हैं हम लोग। लग कैसा रहा, कितना? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं अयोध्या अभी नहीं जा सके हैं, लेकिन यहाँ दर्शन हो गया। हाँ, वहाँ जाने का भी सोच रहे थे लेकिन हमको साक्षात यहीं पर दर्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत सुंदर लग रहा है, अभी हम यूपी वहाँ गए नहीं है तो मेरे लिए तो अभी यही राम मंदिर फील हो रहा है कि आप राम मंदिर के पास खड़े हैं। फील हो रहा है साक्षात दर्शन। माँ एक बार बैठ जाएंगी तो और भी अच्छा लगेगा। नमस्कार, राजधानी रांची में इस बार दुर्गा पूजा की धूम जो है आपको देखने को मिलेगी। हमारे ठीक पीछे जो है आप भव्य सा राम मंदिर का प्रारूप देख रहे हैं। दरअसल ऐसा पहली बार जो है झारखंड में रांची में राजधानी में प्रयास किया गया है कि ठीक राम मंदिर के तर्ज पर, जी हाँ, अयोध्या में इस बार जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसी के तर्ज पर, राम मंदिर के तर्ज पर इस पंडाल को बनाया जा रहा है। और अब जब यकीन मानिए, जब आप ऑन द स्पॉट यानी कि आप लाइव जब यहाँ पर मेरी तरह बाकी लोगों को तरह आके देखेंगे तो आपको ये एहसास नहीं होगा, महसूस नहीं होगा कि आप जो है किसी पंडाल के सामने हैं, बल्कि आप ये फील करेंगे कि आप राम मंदिर के पास खड़े हैं, ऐसा आपको जो है फील आएगा। बिल्कुल बिल्कुल भव्य है, ह्यूज है, देखने से ही लग रहा है कि बहुत ही इसको शानदार आलीशान तरीके से जो है बनाया जा रहा है। लोगों का रिएक्शन भी अलग है, पंडाल इनकम्प्लीट है, पंडाल अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, उससे पहले लोगों का भीड़ है। आप एक बार कैमरे के नज़र से देखिए, लोग जो है अभी से ही जो है यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं कि इससे पहले शायद ही आपने कभी देखा होगा कि पंडाल बनने से पहले लोग पंडाल के साथ जो है सेल्फी खिंचा रहे हैं। दरअसल राम मंदिर को लेकर के जो उत्साह है या फिर कहे जो आस्था है लोगों में, वो जो है अपने आप में बहुत खास है। जो लोग यूपी में, यूपी के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए हैं, कोशिश ये की जा रही है कि इस पंडाल के जरिए उन लोगों की जो मुराद है, उन लोगों का जो एक सपना है राम मंदिर की एक झलक का, वो पूरी हो जाए। फिलहाल आप देखिए कि काम चालू है, आपको जो आर्टिस्ट हैं वो नज़र आ रहे होंगे, जो वर्कर है वो अब दिन रात जो है 24 घंटा इस पंडाल को तैयार करने में लगे हैं। राजधानी वासियों को जो समर्पित जो है ये पंडाल किया जाएगा। आज पितृपक्ष समाप्त हो रहा है, महालया है, कल से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो रही है और कल से 10 दिनों तक जो है राजधानी रांची में, यकीन मानिए, ये जो हमारे पीछे पंडाल आप देख रहे हैं ये छाने वाला है। अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उससे ये कितना मिलता जुलता है या फिर कितना उनको रियल लग रहा है। कंचन जी, ये जो आप सामने राम मंदिर का जो आप प्रारूप देख रहे हैं कैसा लग रहा है देख करके? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है पहली बार देखने? ये अयोध्या में नहीं लेकिन हम लोग झारखंड में देख रहे हैं। अयोध्या नहीं, राम मंदिर का दर्शन आप झारखंड में, झारखंड में कर रहे हैं हम लोग। लग कैसा रहा, कितना? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओरिजिनल जो है असली राम मंदिर उससे कितना मिलता जुलता है? बहुत लग रहा है सेम वहीं से वहाँ यहाँ उठा के यहाँ ला दिया गया है। बहुत अच्छा लगा, हम लोग भी देखने ही आए हैं, ये बोले कि चलो। तो रांची में और भी पंडाल बने हैं लेकिन क्या कहिएगा, मतलब इस बार लग रहा है छाने। अभी तो हम देखे नहीं है कौन सा पंडाल, लेकिन हम भाई फर्स्ट बार ये देख रहे हैं। प्रभावित किया है नहीं? हाँ, अच्छा क्या, लगा। क्या कहेंगे, राम मंदिर बन गया है झारखंड में, रांची में। बिल्कुल, इस एरिया में मतलब इस तरह का पंडाल पहली बार है और पहले मतलब बकरी बाजार, रातू रोड और उधर कोकर वगैरह लोग जाते थे, लेकिन जब इस एरिया में पहली बार लगता है स्टार्ट किया गया, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और हम लोग जो लोग अयोध्या नहीं जा सके वो राम मंदिर रामलला का दर्शन झारखंड रांची में ही मतलब हूबहू उनकी प्रतिलिपि है कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयास। इस पर एक बार विवाद भी हो गया जब बन रहा था, रोक लग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस पर जब हमको भी पता चला था कि शायद विवाद हुआ था, लेकिन इसको धर्म से ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए। त्यौहार है, सभी के लिए है। क्या कहेंगे, राम मंदिर के सामने खड़े हैं आप जी, गए कि नहीं? अभी नहीं जा सके हैं, लेकिन यहाँ दर्शन हो गया। हाँ, वहाँ जाने का भी सोच रहे थे लेकिन हमको साक्षात यहीं पर दर्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो प्रारूप है मतलब कितना असली लग रहा है देखने से आपको? हूबहू एकदम लग रहा है कि वही मंदिर है। हाँ, हूबहू है, भव्य बना है, भव्य बना है और भीड़ भी काफी होगी। पहली बार जो है ध्रुवा के इस
जो है ग्राउंड हम तो कहेंगे कि हर एक साल यहाँ हो और अच्छा मजा है, अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है। हम तो फर्स्ट बार आए हैं, पहली बार आए हैं। आप दर्शन किए अयोध्या वाला राम मंदिर? नहीं, अभी तो नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कैसा लग रहा है देखने? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगा पहली बार देख करके? हमको बहुत अच्छा लगा और हम वीडियो भी बनाते हैं, इसका वजह से हम यहाँ पे वीडियो लेने आए हैं। अच्छा, आप है इच्छा है कि आप अयोध्या जा करके जो है? हाँ हमको बहुत इच्छा है, हाँ बहुत इच्छा है। इससे पहले आप यहाँ आ गए? हमको बहुत इच्छा था अयोध्या जाएं, उसके फिर से हमको पता चला कि यहाँ पे भी मंदिर बन रहा है, वो भी राम मंदिर बन रहा है। हाँ राम मंदिर बन रहा है, इसलिए हम सोचे पहले ही यहीं पे दर्शन कर ले। जो बनाने वाले उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं उनके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है। तारीफ मतलब? हाँ बहुत तारीफ होनी चाहिए। हाँ बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है, कलाकार बनाए हैं इसको, बहुत अच्छा लगा। और अभी तो बाकी, अभी तो पूरा बनना बाकी है, और बन के भी कितना मतलब क्या बोले, कुछ बोल ही नहीं सकते। पहली बार हम आए, बहुत हमको अच्छा लगा। शब्द नहीं बचा। हाँ शब्द नहीं बचा है। राम मंदिर बन रहा है, अब समझ सकते हैं रांची में राम मंदिर बन रहा है। हाँ कंप्लीट होने ही वाला है। हाँ कंप्लीट होने ही वाला है। क्या लोगों से जो नहीं जान रहे हैं इसके बारे में? बताऊंगी, जाऊंगी बताऊंगी। आप ये हालांकि अभी प्रक्रियाधीन है, काम चालू है, लेकिन आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अभी तो दुर्गा पूजा शुरू भी नहीं हुआ है, क्यों आ रहे हैं? सर ये बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों की अयोध्या, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, हम लोग का राम मंदिर का पूरा बहुत अच्छा लग रहा है देख के। सब यही बात बोल रहे हैं कि अयोध्या जो नहीं जा पा रहे वो यहाँ दर्शन कर रहे हैं। जी लग रहा है, मतलब ये एकदम ओरिजिनल जैसा लग रहा है? पूरा ओरिजिनल लग रहा है सर, इतना मेहनत है अंदर जाकर मैं देखी, एकदम बहुत मेहनत कर रहे हैं ये, पूरा बारीकी से काम कर रहे हैं। काफी महीनों से काम चल रहा है? बहुत, काफी बहुत दिनों से काम चल रहा है यहाँ पर। आपकी इच्छा है कि आप जो है साक्षात दर्शन करें? हाँ सर पूरी इच्छा है मेरी कि मैं साक्षात दर्शन करूँ इसकी। जो यहाँ पर समिति के लोग हैं वो ये कोशिश किए हैं कि जो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो यहाँ करके दर्शन? जी सर वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। कि उम्मीद था आपको कि कभी इस तरह का पंडाल बनेगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा उम्मीद नहीं था कि यहाँ पर बनेगा इस तरह का पंडाल, बिल्कुल उम्मीद नहीं था। मंदिर के तरफ बनेगा? जी जी सरप्राइज है ना एक तरह? जी सर सरप्राइज है। रहती कहाँ है आप? मैं यहीं पर रहती हूँ सर, बिरसा चौक में। जी पहली बार जो है इस तरह का प्रयास किया गया है, राम मंदिर की तरफ से पंडाल बन रहा है रांची में, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ह्यूज है, भव्य एकदम। हाँ। आप लोग देखने के लिए आए? अभी से सेल्फी ले रहे, अभी तो बना भी नहीं है पूरा, बस पहले देख ले रहा, भीड़ में तो देखना ही है फिर। भीड़ में देखना है। हाँ। उम्मीद था इस तरह का जो है रांची में जो है बनेगा पंडाल? बकरी बाजार का जो रहता है बड़ा पंडाल और भव्य पंडाल, उसको कोई तो पार करेगा ना। अब तक रिकॉर्ड बनाते आ रहा था बकरी बाजार, क्या लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है? सचिन भी रिकॉर्ड बनाते रहा, विराट कोहली ने रिकॉर्ड तोड़ा ना, ये पंडाल इस बार लग रहा है क्रैक करे, ब्रेक करेंगे। हाँ, हाँ। क्या कहेंगे मैडम, कैसा लगा पहली बार? बहुत ही भव्य लग रहा है। भव्य लग रहा है, बहुत सुंदर। मतलब जो यूपी में है उससे कितना मिलता जुलता है? देखिए मिलता जुलता तो भाई सब कोई के हाथ में रहता है कि कितना करेंगे, आदमी किस तरीके से उसको देखता है वो हमको। किस तरीके से आप देख रहे हैं? हम तो बहुत सुंदर लग रहा है, अभी हम यूपी वहाँ गए नहीं है। हाँ। तो मेरे लिए तो अभी यही राम मंदिर फील हो रहा है कि आप राम मंदिर के पास खड़े हैं। हाँ 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 फील हो रहा है ऐसा? फील है, साक्षात दर्शन। माँ एक बार बैठ जाएंगी तो और भी अच्छा लगेगा। क्या कहिएगा जो लोग को नहीं पता है कि यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है? एक बार जरूर आना चाहिए देखने के लिए आप सभी को। हाँ इतना मेहनत से बना रहे उनके लिए तो वो तो भाई सब बियॉन्ड हम लोग का उससे है कि सोच नहीं सकते वो लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया। किलो भर का इतना पैसा? दीदी ऐसे में कैसे घर चलेगा? JMM ने तो वादा किया था कि गरीब महिलाओं को महीने का 2000 चूल्हा खर्चा मिलेगा, तुमको मिला का? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो चूल्हा खर्चा नहीं मिला, आपको मिला क्या? Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in